दशहराम स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम अनंत चतुर्दशी के बारे में आप सबसे निवेदन करने जा रहा हूँ। अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को पढ़ने वाले अनंत चतुर्दशी की अनंत महिमा है। इसमें अनंत भगवान की विशेष रूप से पूजा होती है प्रातः वेला में अथवा मध्यान्ह काल में, और संध्या वेला में गणपत बप्पा की प्रतिमा की विदाई पूरे विश्व में मनाई जाती है, वो आप सभी जानते हैं। पर हमें अनंत भगवान की पूजा भी अवश्य करने चाहिए। ये पूजा सभी भाई, सभी बहनें, माताएं, बहनें, सब बच्चे, बड़े बूढ़े सभी लोग कर सकते हैं। इसमें अनंता जिसको बोलते हैं, 14 गांठ का लगा हुआ धागा, जिस जगह पे ज्यादा मनाया जाता है वहां रेडीमेड मिलता है, नहीं तो आप स्वयं जो रक्षा बांधने वाला सूत्र है अथवा सफेद धागा को पीले रंग से रंग करके उसमें 14 गांठ बना करके उसको 14 अंगुल का करके 14 गांठ लगा करके भगवान के आगे रखकर पूजा करके धारण किया जाता है। हमारे जितने पुरुष बंधु हैं दाहिने हाथ में और माताएं, बहनें, बच्चियां बाएं हाथ में धारण करती हैं। सबसे पहले हम इसकी व्रत की विधि बताते हैं। इसमें भी नमक नहीं खाना चाहिए, भगवान का फलाहार रह करके जो है उपासना करनी चाहिए। अच्छी बात है कहीं पवित्र नदी में हम जाके स्नान इत्यादि कर सकते हैं, बहुत उत्तम नहीं, अपने घर में ही जल में स्नान करने के पश्चात में बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल अथवा किसी भी पवित्र नदी का जल डाल करके और जल से नहा लें, उसके बाद साबुन इत्यादि न लगाएं। काला नीला को छोड़ करके पीला, सफेद, शुभ्र, गुलाबी सुंदर से वस्त्र धारण करें। सामान्यतया भगवान की पूजा करें, आचार्य पुरोहित को बुलाकर पूजा करा सकते हैं तो और अच्छी बात नहीं। स्वयं जो है एक चौकी पर केले का पत्ता चारों तरफ से लगाएं जिसे सत्यनारायण के लिए लगाते हैं, और सेंटर में जो है पीला कपड़ा बिछाएं और उसके बीचों बीच में जो है चावल रखें, उसका अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर एक कलश रखें। कलश की विधि आप स्वयं इस लंग को टच करके देख सकते हैं, और अगर वहां पर ही आप बनाना चाहें तो उसमें स्वस्तिक बना लें, धागा बांध लें, जल 80% भरें, गंगा जल मिश्रित जल भरें, उसमें एक चुटकी जो है हल्दी, एक क्वाइन, एक सुपारी, थोड़ा सा दूर्वा और पंच पल्लो, नहीं तो केवल आम का पत्ता, 5 पत्ता का समूह हो, 7, 9, 11 का समूह, अथवा पान का 5 पत्ता रखें, अशोक, पीपल, गुगल, गोलर, पाकर, जामुन, कोई भी पवित्र पत्ता रख दीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट में चावल भर के रखिए, उसी के ऊपर सोने की मूर्ति हो अथवा अष्ट धातु की हो, पंच धातु को नहीं तो हो तो एक सुपारी रख करके अनंत आयन व कई जगह लोग कुशों से भी सप्तफणी वाले जो अनंत भगवान को बनाते हैं। ये जो शेष नाग जी उनको भी अनंत कहा जाता है, वो भी भगवान नारायण के ही रूप हैं। तो इसमें भगवान की बहुत विशेष पूजा होती है, पर हमें उतने ज्यादा में नहीं जाना जो आप स्वयं कर पाए, तो आपने इतना कर लिया। अगर आप केले के पेड़ का मंडप नहीं बना सकते तो भी आप सामान्यतः चौकी के ऊपर में, मान लिया ये चौकी है, कपड़ा बिछाया, बीच में चावल रख दिया, उसके ऊपर लोटा रख दिया, उसके ऊपर में मूर्ति है भगवान विष्णु की तो रख दी, नहीं तो एक सुपारी रख दिया और आसन बिछा करके पूर्वाभिमुख बैठ गए। अगर पत्नी जी है तो दाहिने बैठ गई, 3 बार आचमन किया, केशवायनवाम, नारायणायनवाम, माधवायनवाम, हाथ धोके छोड़ दिया, दिया जला दिया, दिया भगवान के सामने अथवा दाहिने रख दिया है, दिया को प्रणाम करके हाथ में जल, चावल, रुपया, सुपारी लेकर के पत्नी जी का हाथ आपके हाथ के नीचे रहेगा, दोनों गांठ जोड़ लेंगे और जो है उसके पहले टीका इत्यादि लगा लेंगे, बोलेंगे अति पूर्वोपचारित देवं ग्राहगुण गर्म शेषम शिष्टायाम स्व पुण्य दो समस्त पाप विनाशार्थम भगवान अनंत नारायण से पूर्ण कृपा प्राप्ति अर्थम अनंत पूजनम व्रतम च महम कर इससे सामने छोड़ दिया। इसके बाद में गणेश जी को प्रणाम किया। हाँ, गणेश जी की पूजा हर पूजा में होती, तो गणेश माल्या सेंटर में यहाँ पे कलश रखा है तो उसके सामने ही अगर गणेश जी की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं 2 सुपाड़ी में पहले में राइट वाले में हम गणपते नमा गणपति मावायाम स्थापयामी, उसके बाद में गौरी नमा गौरी आवायाम स्थापयामी, कलश के ऊपर में पहले कलश पर वरुणायनवा वरुणम आवायाम स्थापयामी, फिर अनंतायनवा अनंतम आवायाम स्थापयामी, फिर पूरा स्पर्श करके आवाहिता देवता प्राणा सुप्रतिष्ठिता वरदा भवंतु, फिर वो मिक्स ना हो जाए थाली में रख करके उनको जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान करा के पोछ के उन्हीं जगह पर नीचे थोड़ा फूल का टुकड़ा रख करके बैठा दें, और बैठाने के बाद में पहले वस्त्र धागा पहनाएं, फिर जनेऊ चढ़ाएं, और जो अनंत धागा है जो 14 गांठ का लगा हुआ अगर बाजार में मिल गया तो ठीक है, नहीं स्वयं जो है आप रक्षा सूत्र का भी 14 धागा बांध करके पीला हो जाए तो बहुत अच्छा है, भगवान के सामने रख दिया, उस
धागे के ऊपर भी थोड़ा सा चावल छोड़ेंगे, अनंतायम अनंतम आवायाम स्थापयाम, इस धागे का भी स्नान कराएंगे, वो भी भगवान का 14 भुवन है, तो 14 भुवन के स्वामी उसके प्रतीक में है, वो भी रूप माना जाता है, उस धागे को भी स्नान करा दीजिए। हाँ, घर में अगर ज्यादा लोग पहनने वाले हैं तो उसी क्रम में धागा एक दो अनिवार्य है ही, पर आपके बच्चे भी हैं, पत्नी जी भी हैं, सबको पहनना है, उसी हिसाब से 5, 7, 9, 11 धागा भी आप वहां पे रख करके साथ में पूजा कर सकते हैं। पर सभी धागा के ऊपर यही मंत्र होगा, ओम अनंतायम अनंतम आवायाम स्थापयामी, वो भी भगवान के साथ में उस धागे का भी स्नान हो गया, वहां रख गया, उसके ऊपर भी आपने जो है वस्त्र चढ़ाया, धागा चढ़ाया, फिर चंदन चढ़ाया, फिर भगवान को जनेऊ चढ़ाया, जनेऊ चढ़ा करके उसके बाद में पुनः आचमन करा दिया, फिर टीका लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, तुलसी चढ़ा दिया। इसमें ये भी लोग परंपरा में 14-14 जो है प्रकार के चढ़ाते हैं, 14-14 चढ़ाते हैं, पर जितना संभव हो उतना चढ़ाइए, इतना डिटेल में जाएंगे तो करना ही मुश्किल है, अगर कर लें तो बहुत उत्तम है, नहीं तो एक भी रखिए लेकिन वो सबसे उत्तम हो, सबसे बढ़िया हो, सबसे श्रेष्ठ हो। बढ़िया भगवान को सजा दीजिए, धूप कर दीजिए, दीप कर दीजिए, बढ़िया भगवान का भोग लगा दीजिए। 14 जगह लगाना चाहिए तो 14 मिठाई रख दीजिए, 14 फल रख दीजिए, मालपुआ का भी कई जगह प्रकरण है, मालपुआ भी रख दीजिए, उसके बाद जो है फल रख दीजिए, 14 फल रख दीजिए, केला तो भगवान का प्रिय, तो 1 दर्जन केला है क्या, 1.5 दर्जन केला रख दीजिए, बाकी 5-4 तरह के और फल रख दीजिए, अधिक से अधिकम फल, फिर वैसे दक्षिणा रख दीजिए, उसके बाद प्रणाम करके प्रदक्षिणा कर लीजिए। प्रदक्षिणा करने के बाद में उनकी कथा सुननी चाहिए, कथा आपके पास पुस्तक होगी उससे पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, पर संक्षेप में ये कथा जान सकते हैं। कथा सुनने के पहले भी आप धागा बांध सकते हैं और कथा सुनने के बाद भी धागा बांध सकते हैं, तो पहले कथा सुन लीजिए। ये कथा जो है भगवान श्री कृष्ण जी से प्रारंभ होती है, भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को समझाया था, जब जो है द्रौपदी जो है दुर्योधन को बोल दी थी कि अंधे के अंधे होते हैं, वो नहीं देख पाए थे, उस यज्ञ में आए हुए थे, बाद में वो जुआ हुआ, फिर इनको जो है वनवास काटना पड़ा पांडवों को, तो उसी में भगवान कृष्ण मिलने के लिए गए, तो उन्होंने समझाया था कि अगर आप अनंत भगवान की सेवा करो, व्रत करो, और ये वस्तुतः 14 वर्ष लगातार करना चाहिए, हो सकता है आपके भावना में आके आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर एक ही बार में आपकी मन इच्छा पूरी कर दें, मनोकामनाएं पूरी कर दें, तो भी एक 14 वर्ष तक करने का एक विधान है, तो हमें प्रयत्न करके करना चाहिए। तो भगवान जी ने जब बताया कृष्ण जी ने, तो युधिष्ठिर जी ने पूरे पांडवों के साथ में और माँ द्रौपदी के साथ में, मतलब अपनी पत्नी के साथ, हमारे लिए तो माता जी हैं, सब लोग मिलकर के अनंत भगवान का व्रत किया, पूजा किया, और बाद में फिर भगवान की कृपा से अपने राजपाट को प्राप्त किया था। उसके पहले की कथा जो भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया, सुमंत मुनि की कन्या शीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ में बड़े धूमधाम से हुआ, क्योंकि ऋषि थे तो बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे, तपस्वी थे, विदा करा करके शीला को लेकर अपने जो है स्थान पर जा रहे थे, रास्ते में एक पवित्र स्थान देखा, बढ़िया सरोवर देखा, वही उन्होंने कहा अपनी पत्नी शीला को, देवी तुम बैठो, मैं तब तक जो है संध्या वंदन, पहले स्नान तैयार करके फिर संध्या वंदन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। वहां पर वो अपने ध्यान में मग्न हो गए, इधर जो है वो देवी ने देखा, शीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां जो है पूजा कर रही हैं, वो पास में जाकर वहां भी उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया, पूछा और श्रद्धा से भगवान की पूजा की, स्त्रियां भी प्रसन्न हो गई, उनको जो है अनंत भगवान का धागा शीला देवी के बाएं हाथ में बांध दिया और उनको भी आशीर्वाद दिया। फिर तब तक जो है ऋषि का भी पूजा संपन्न हो गया, दोनों पति पत्नी अपने घर में आए, उस अनंत धागे के प्रभाव से उनके घर में अनंत ऐश्वर्य, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही न हो, घर में हो गया, सब आनंद पूर्वक रहने लगे, ऋषि भी अपने तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन जो है कुछ उनको लगा, ध्यान गया कि बाजू में हमारी पत्नी शीला ने क्या बांध रखा, उन्होंने उनको उनके मन में बात जगी कि हो सकता है मुझे वश में करने के लिए इन्होंने कोई वशीकरण धागा बांध रखा है, ऐसा उनके मन में भ्रांति आई। उन्होंने पूछा, उसने कहा नहीं, तो भगवान का प्रसाद है, उनको भरोसा नहीं हुआ, मारे गुस्सा के तोड़ा उन्होंने और अग्नि में जो है फेंक दिया, वो धागा जल गया, इससे भगवान के प्रसाद का अवहेलना हुआ, नाराजगी हुई और उनका जो ऐश्वर्य पूरा भरा था बिल्कुल धीरे धीरे सामान्य हो गए। तो पत्नी ने रो रो करके बताई, भगवान के प्रसाद का धागा था स्वामी, आपने इसको तोड़ दिया। सोचिए, जब ऋषि मुनि के मन में भावना आ सकती है तो हम आप तो सामान्य हैं, इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ में आते जाते रहना चाहिए, मिलना चाहिए, अच्छा संगत करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो है अहंकार ना आए, क्रोध ना आए,
और जो है उसका निवारण होता रहे, भगवान के हम कृपा पात्र बने रहें। धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कि अभिमान नहीं होना, घमंड नहीं होना। नहीं, सब जो है भगवान का, प्रभु का तो भोजन ही घमंड है। जिस भक्तों पर वो प्रसन्न होते हैं उसका पहले घमंड खा जाते हैं, उसको सामान्य बना देते हैं। तो फिर ऋषि को अनुभव हुआ बहुत दुख, धन चला गया, इस बात से दुखी नहीं, ये जो है भगवान के उन्होंने धागा का अपमान किया, इसलिए उनको सूत्र का अपमान किया, इसलिए वो दुखी होकर जंगल में भटकते भटकते परेशान थे, बिल्कुल पश्चाताप हो गया। भगवान ने कहा ऋषि जो है चूंकि हमारे ही संतान है, बहुत ज्यादा पश्चाताप के एक ब्राह्मण वेश में आए, फिर एक गुफा में ले गए, वहां भगवान का दिव्य दर्शन पाकर के धन्य हो गए। और उन्होंने भी प्रचार प्रसार भगवान के इस विशिष्ट व्रत उपासना का प्रारंभ कर दिया और पुनः जो है उनका जीवन आनंद में हो गया। तो ये माया रूपी जो है बहुत बड़ा है, जब ऋषि लोग जो है परेशान हो जाते तो हम आप तो साधारण है, इसलिए मायापति भगवान जो अनंत है इनकी शरण में आना चाहिए, हमें इनका धागा अवश्य धारण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। धागा धारण करने का मंत्र यह है, पूजा के बाद इस मंत्र से आप प्रार्थना कर सकते हैं, और जब धागा आप अपनी बहन को बांधे अथवा बहन अपने भैया को बांधे अथवा पति पत्नी को, ये मंत्र को पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात नहीं, सुन करके भी आप बांध सकते हैं। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समुभ्युद्धर वासुदेवा अनंत रूपे विनयोर्जितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। ऐसा सुन करके बाद में आप प्रार्थना करके भगवान को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, तुलसी अर्पित कर सकते हैं। धागा बांधते भी इस प्रार्थना को अवश्य पढ़ना चाहिए, और जब पूजा पूरी संपन्न हो जाए या आपने कथा सुन लिया, उसके बाद आरती करके प्रदक्षिणा करके और पुनः हाथ में फूल लेकर सब लोग फिर से बोलेगा, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समिभ्युद्धर वासुदेवा अनंत रूपे विनयोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। ऐसा करके पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके हाथ में जल लेकर के जो भी हमने पूजा की आपको समर्पित हो, उसके पश्चात में अगर घर के बाहर हैं तो वहीं पर तुरंत, अगर घर में है तो संध्या वेला में, ने कहीं जाना है तो तुरंत जो चावल लेकर के कि प्रभु जहां से आए हो वहां जाइए, जब फिर बुलाऊंगा तब फिर आइएगा। यान्तु देवा गणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। उनके ऊपर चावल छोड़ करके प्रणाम करके और थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए, पवित्र जगह लोटे का जल अर्पण कर दीजिए, और उसके पश्चात में चावल को चिड़ियों को दे दीजिए, अथवा आपके आचार्य पुरोहित हैं वो ले जा सकते हैं, वो लेके अगर कलरफुल है तो नदी इत्यादि में डाल दें, गौ को दे दें, चिड़ियों को दे दें, वस्त्र इत्यादि भी चढ़ाने की विधि, अगर वो सब जो भी अर्पण किया है वो सब अपने आचार्य पुरोहित को दे दीजिए, ना मिले तो मंदिर इत्यादि में जाकर के दे दीजिए। बाकी जो आपको धर्म के रूप में किसी को देना है बांटना है वो आप उसके लिए स्वतंत्र है। प्रसाद जो भी अर्पण किया अभी कम से कम जो है 50% आचार्य पुरोहित को, 30-35% वितरण हो जाए, 10-15% स्वयं के प्रयोग के लिए लेना चाहिए, नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए। एक समय जो है सूर्यास्त के पश्चात अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, ना खाएं तो सर्वोत्तम है, अगले दिन पारण कीजिए, अनंत भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। जय सियाराम, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। जो भी इससे संबंधित प्रश्न हो आप कमेंट कीजिए, बताने का प्रयत्न करूंगा। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं, हर वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें आप जाकर के वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं जो बहुत अत्यावश्यक हो। और जरा चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, 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 राम बोले।